लेजिज़ पॉलिसी जो है 2007 में सर्कुलेट की गई थी, सितंबर 27, 2007 में। तो उससे पहले की जो प्लेजरिज्म की कंप्लेंट्स हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स, पेपर्स या थीसिस 2007 से पहले पब्लिश हुए, तो उस हवाले से अक्सर क्वेरी आती है कि उन कंप्लेंट्स के किस तरह डील किया जाए। तो ये प्लेजरिज्म पॉलिसी के साथ ही डॉक्यूमेंट एक अपडेट ऑन प्लेजरिज्म के साथ अवेलेबल है। ये लेटर इशू किया गया था 2009 में, और इसमें उसी जो 27 सितंबर 2007 जो इनिशियल सर्कुलेशन का लेटर था, उसका रेफरेंस दे के बताया गया है कि जो कंप्लेंट्स 2007 से पहले की हैं, जो पॉलिसी सर्कुलेट होने से पहले की है, वो टेकअप ना किए जाए अगर कोई उसका बेनिफिट क्लेम ना कर रहा हो। अब बेनिफिट क्लेम किस फॉर्म में हो सकता है कि अगर वो सीवी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो उसको हम काउंट करते हैं कि ये एक अपने प्रोफाइल के साथ चीज़ उसने रखी हुई है, और वो उस यूनिवर्सिटी में उसने सीवी में या जो अपना एप्लीकेशन डोजियर है उसमें उस मेंशन किया हुआ है उन पेपर्स को जिन पे प्लेजरिज्म एलिगेशन आ रहा होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उनको फिर प्रूव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आथर उसका क्लेम बेनिफिट कर रहे होते हैं। तो इस लेटर के नज़र में उन पब्लिकेशंस को जो 2007 से पहले की हैं और उनको बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं किया गया, उनको टेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन केसेस को टेकअप किया जा सकता है जो 2007 से पहले की हों और उनका वो आथर जो है बेनिफिट क्लेम कर रहा हो इन फॉर्म ऑफ सबमिशन ऑफ डोजियर, जो सीवी उसने सबमिट की हो किसी भी इदारे में अपॉइंटमेंट के लिए या प्रोमोशन के लिए, या जो फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं पेपर पब्लिकेशन के, उस हवाले से।